जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथी देखिए, फाइनली जो है आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो कि आईटीआई में होने वाले हैं, जो कि फाइनल एग्जामिनेशन जो कि एनसीवीटी कंडक्ट कराएगा, उसका फाइनली देखिएगा तो यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। साथियों आप लोग को मैं बता दूँ कि आप लोग के जो पेपर हैं वो 3 से लेकर के 5 तारीख तक फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स का, और 6 और 7 जुलाई को जो है आपका सेकेंड ईयर के कैंडिडेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो 3 से 5 फर्स्ट ईयर कैंडिडेट, ठीक है, और 6 से 7 जो है आपका सेकेंड ईयर कैंडिडेट। इसमें देखिए जो भी 2000 जो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट में देखिए कौन से कैंडिडेट होंगे जो कि 2022 में एडमिशन लिए थे, इस साल जो मतलब पिछले साल जो एडमिशन लिए थे, और जिसमें जो कि 2 ईयर कोर्स के लिए, और 1 ईयर कोर्स वाले कैंडिडेट्स भी, या 6 मंथ कोर्स वाले कैंडिडेट भी, सभी का फर्स्ट ईयर कैंडिडेट वालों कैंडिडेट जो भी हुए, ठीक है, ये हो सभी चले जाएंगे। आपका 3 से 5 में एग्जाम होगा, और मतलब 3 से 5 तारीख तक, और 6 से 7 तारीख जो होने वाला है ये आपका जो 2021 में एडमिशन लिए थे, 2 वर्षीय मतलब जो कोर्स होता है, 2 वर्षीय जो ट्रेड होता है उसके लिए, और टाइमिंग रहने वाला है 9:30 से 6 बजे तक, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रेड प्रैक्टिकल, देखिए सेकंड ईयर का ये जो है एडमिट कार्ड है ट्रेड प्रैक्टिकल, और डेट देखिए क्या है, 6 जुलाई 2023 सुबह के 9:30 बजे, ठीक है। तो जैसे कि जो है सेंटर जो है होम सेंटर पड़ेगा या फिर जो है गवर्नमेंट आईटीआई पड़ेगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका आईटीआई जो है किस तरह का, प्राइवेट आईटीआई, अगर छोटा मोटा आईटीआई है तो उसको बगल के अगल बगल के जो गवर्नमेंट आईटीआई वहाँ सेंटर्स दे दिया जाएगा। बट जनरली जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि जो होम सेंटर ही ज़्यादातर पड़ता है, बड़े बड़े अगर प्राइवेट आईटीआईज भी है तो वहाँ पे भी जो है होम सेंटर ही पड़ता है। तो आप अपना देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में, आपको यहाँ पे एड्रेस पता चल जाएगा, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ सेंटर आपका पड़ा है। बट जनरली जो है आपका होम सेंटर ज़्यादातर होता है। यहाँ पे अपना सब कुछ रोल नंबर को सब देख पाइएगा। अब देखिए ये जो एडमिट कार्ड है इसको आप लोग डाउनलोड कैसे कीजिएगा वो भी आपको बताएंगे। और दूसरी बात कि ये जो एडमिट कार्ड, अगर आप किसी भी माध्यम से अगर एडमिट कार्ड आपको ये मिल रहा है, मिल गया, मान लीजिए कि जैसे कि 3 तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी हो सकता है। पहला तो देखिए ये जो है आप एनसीबीटी पोर्टल में खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपको आपकी आईटीआई दे देगी, आप अपने आईटीआई में जाइए, वहाँ पर जा करके जो है इसको आप एडमिट कार्ड को ले सकते हैं वहाँ से। और तीसरा तरीका है कि जो कि आपको ईमेल में भेजा जा रहा है, ठीक है, अभी ईमेल में भी भेज दिया जाता है, सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह भी आजकल जो है ईमेल में भेज दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है 3 प्रोसेस बताएं। अब तीनों माध्यम में किसी भी माध्यम से आपके पास अगर ये जो है आपका एडमिट कार्ड आया है, तो इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक वैलिड आईडी कार्ड ले जाना है। वैलिड आईडी कार्ड में आपका जो है कॉलेज का आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या फिर जो है पैन कार्ड हो सकता है। ये सिर्फ इतना जो है आप लोग एक आईडी कार्ड ले लीजिएगा, और बाकी कुछ भी इसमें स्टाम्प मोहर दिस दैट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है डीजीटी के द्वारा जो है वेबसाइट एनसीबीटी पोर्टल पे जारी किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसकी कहीं कोई और कुछ इसमें अतिरिक्त कराने की आवश्यकता नहीं। तो ये समझ में आ गया कि एडमिट कार्ड आप लोगों को कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे डाउनलोड करना है वो बता दिए, 3 प्रोसेस बता दिए। अभी एनसीबीटी पोर्टल में कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बता दूंगा, अभी आपको तुरंत बताऊंगा। बट 2 जो प्रोसेस आपको बताया, एक तो ईमेल में, ठीक है, तो ईमेल भी चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ईमेल में आया हुआ है, देखिए हॉल टिकट, देखिए यहाँ पे CTS AITT 2023 प्रैक्टिकल हॉल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ पे कहा गया है कि जो है आप फोटो आईडी कार्ड लेकर के आप इसका इस हॉल टिकट का प्रिंट आउट करा लीजिए और फिर फोटो आईडी कार्ड लेकर जाइए। अब देखिए यहाँ पे तो ये मेल किया गया है, बट ये जो है हॉल टिकट ये भी भेज दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि सभी स्टेट का हो सकता है कि अभी नहीं दिया, बट 26 तारीख को जो है बोला गया था डीजीटी के द्वारा, तो अभी कुछ कुछ स्टेट्स का नहीं आया, तो जल्दी आ जाएगा सभी जगह का, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। बट आपको डेट नोट करके रखना चाहिए, 3 से 5 और 6 और 7, 3 से 5 फर्स्ट ईयर और 6 और 7 सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल के वीडियोज़ भी चैनल पर पड़े हैं कि कैसे एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल में क्या क्या करना पड़ता है, सभी का वीडियोज़ भी आप लोगों को हमने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो ये देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, AITT मतलब वार्षिक परीक्षा है, इस बात ध्यान रखिएगा, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। ये आपका एग्जाम जो है ये कॉलेज नहीं करवाती है, ये जो है आपका बोर्ड करवाता है, ठीक है, एनसीबीटी बोर्ड करवाता है, इसलिए इसमें आपको अच्छा अंक लाना पड़ेगा। और होम सेंटर है तो थोड़ा बहुत जो है आपको रियायत मिल सकता है, बट जो है अगर बाहर है तो बाहर सेंटर पड़ा है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है।
दिक्कत इन द सेंस अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो उस केस में ठीक है, जॉब वगैरह बनाना आपको आना चाहिए, राइटअप वगैरह लिखा जो लिखना होता है वो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है चलिए अब मैं दिखाता हूँ एनसीबीटी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए साथियों एनसीबीटी पोर्टल में डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे और जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा ट्रेनिंग प्रोफाइल वाला पेज पे खुल जाएगा ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोफाइल का पेज है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा पिछले बार एग्जाम दिए होंगे अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो, और फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल आर लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर 22 ऐसे करके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद फादर से आपको अपना कैपिटल अक्षर में यहाँ डालिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं 99510 यहाँ पे एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल खुल जाएगा और नीचे की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, वहीं पे एडमिट कार्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था कि कैसे आप जो है एनसीबीटी पोर्टल से डाउनलोड कर पाइएगा, दूसरा आप आईटीआई से ले सकते हैं और तीसरा जो है आपको मेल में आ गया होगा ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप आईटीआई ले लीजिए, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो खुद से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है। तो चलिए साथियों इस पर कमेंट्स कीजिएगा कि प्रॉपर हमको दिखाइए कैसे डाउनलोड करना है, तो वो भी मैं आपको वीडियो जरूर दे दूंगा ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको मिली होगी। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक सभी आप लोगों को एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।